हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सत्तू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं। सत्तू का पराठा तो हम सभी के घर पर बनता है, तो इसमें क्या नया है? नया ये होगा कि ये बिल्कुल जो बिहार और यूपी का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना सत्तू का पराठा का, वो लेकर आई हूँ मैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट ना मिले ना तो आप मुझे बताइएगा। मैं आज सत्तू का पराठा तो शेयर कर ही रही हूँ, इसे बनाने का तीन तरीका बताऊँगी मैं आपको। और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर की चटनी, या फिर यूँ कहें आलू टमाटर का चोखा। तो आप आलू टमाटर की जगह आलू बैंगन भी ले सकते हैं, पर मैं आज आपके साथ ये दो चीज़ शेयर करूँगी और पराठे बनाने के तीन तरीके बताऊँगी। जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से पराठे बना लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मैंने इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार से पराठे और साथ ही आलू टमाटर की चटनी बनाई है। तो पराठा बनाने के लिए पहले हम लगाएंगे डो। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कटोरी आटा ले लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ डाल लिया है एक छोटी चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही ले ली है आधी छोटी चम्मच कलौंजी और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ पे ग्रेट करके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब साथ ही हम डाल लेंगे करीब दो चम्मच के आसपास रिफाइंड ऑयल। इससे काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा पराठा बनकर तैयार होगा, तो ज़रूर डालिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। अब आटा गूंदना कौन सा बड़ी बात है आप तो ये सोच रहे होंगे, पर आटा गूंदने में ध्यान हमें ये देना है कि पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और बहुत ही सॉफ्ट सी आटा हमें गूंदनी है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा कड़क आटा चाहिए हमें और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। मीडियम टाइप का आटा जो होता है ना वो चाहिए हमें। तो ये देखिए आटा तो हमने लगा लिया है। अब एक और ट्रिक, आटा लगाने के बाद हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल लेकर आटे के ऊपर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, यानी कि जैसे मसाज देते हैं ना उस तरीके से आटे के ऊपर पूरी तरीके से हमें तेल को लगा देना है, बस यही करना है। तो आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इससे काफ़ी अच्छा सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा। अब बनाते हैं हम सत्तू का मिक्सर। तो सत्तू का मिक्सर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 150 ग्राम से 200 ग्राम के आसपास सत्तू, और इसे मैंने डाल लिए हैं दो कटे हुए प्याज। मैंने तीन प्याज कट किए थे, बट एक प्याज को कटा हुआ मैंने रख लिया है चोखे के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये बहुत ही ज़रूरी चीज़, यानी कि लहसुन कटी हुई। बिल्कुल बारीक हमने लहसुन को कट कर लिया है। लहसुन जो है ना, लहसुन की कलियाँ को बिल्कुल बारीक कट कर ले, और ये सत्तू के पराठे की जान है, तो ज़रूर डालिएगा। अब साथ में कटी हुई हरी मिर्च और एक इंच के लगभग ग्रेट किया हुआ अदरक और मुट्ठी भरकर धनिया की पत्ती। इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच नमक लिया है और साथ ही डाल लेंगे अजवाइन। अब नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमने आटे में भी नमक यूज़ किया है, और साथ ही चोखा जो बनेगा उसमें भी नमक होगा। अब अजवाइन के बाद हम डाल लेंगे इसमें आधी चम्मच मंगरेला, यानी कि कैरम सीड जो होती है। अब इसमें हम डाल लेंगे सरसों का तेल। ये बहुत अच्छा झांस लेकर आती है सत्तू के पराठे में, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। तो दो चम्मच के आसपास आप सरसों का तेल डाल लें और एक नींबू के रस को निचोड़ लें। ये देखिए नींबू के रस को मैंने निचोड़ लिया है। जितना अच्छा रस हो नींबू में उतना अच्छा टेस्ट आता है, यानी कि रस तो हमें चाहिए, तो रस एक पूरा नींबू मैंने इसमें निचोड़ लिया है। और इसके साथ ही एक और चीज़ जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगी, जी हाँ, वो है आम का अचार। आम के अचार से सत्तू के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो करीब एक चम्मच भर कर तेल के साथ, तेल नहीं हटाना, आम के अचार में जो तेल होता है ना उसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है, तो उसको भी तेल के साथ हम डालेंगे और इससे सत्तू के पराठे में बहुत लाजवाब सा टेस्ट आता है। आप यकीन मानिए बिहार के सत्तू के पराठे में ये अचार तो ज़रूर जाता है, और साथ साथ नींबू भी जाती है, जिससे कि दोनों का टेस्ट आता है। अब इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब ये सूखा ना रहे, मतलब सत्तू का पराठा जो सत्तू होता है ना वो काफ़ी ड्राई होता है, तो उसे थोड़ा सा नमी देने के लिए हम इसे पानी का छींटा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पर पानी का छींटा लगाकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आटा नहीं लगाना हमें, मतलब इसके आटे जैसा हमें इसे डो नहीं बनाना, बस पानी का छींटा लगाते हुए इसे पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर काफ़ी नमी रहे और जब हम पराठा बनाएं ना
तो उसके अंदर वो पराठा, सत्तू का पराठा खाने के बाद हमारे गले में अटके नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये हमने ऐसे तरीके से मिक्स कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ उठाकर। देखने में ये बिल्कुल बिखर रहा है ना, पर इस तरह से जब हम हाथों से इसे बांधेंगे ना तो ये बंध जाएगी। ये देखिए बिल्कुल लड्डू की तरह बंध जा रही है ना, पर ये गीली नहीं है, यानी कि आटे की तरह नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बिखरनी चाहिए। तो ये अब मिक्सर भी तैयार हो चुकी है। अब इसे भी हम 10 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि हम चोखा बनाएंगे टमाटर और आलू का, तब तक आटा और सत्तू रेस्ट कर लेगा। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं और इसे हम गैस पर सेक लेंगे। और गैस पर सेक लेने से होता यह है ना कि इसमें काफ़ी अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आता है। अगर आप टमाटर का नहीं बैंगन का चोखा बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से टमाटर या बैंगन में थोड़ा सा होल कर ले नाइफ से और फिर उसको गैस पर आप ग्रिल कर सकते हैं। आप चाहें तो टमाटर या बैंगन के ऊपर थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर उसे ग्रीस भी कर सकते हैं। अब जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इसके ऊपर की जो स्किन होती है ना वो निकाल लेनी है। एक चीज़ और, हमें टमाटर को धोना नहीं है, जो इसके ऊपर ये जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो निकल जाएगा। तो टमाटर को बिना धोए हाथों से हल्के हल्के आप आराम से देखेंगे कि इसके ऊपर का छिलका जो है ना बहुत आसानी से निकल जाता है। और ये जो इसका थोड़ा थोड़ा जला सा पार्ट दिख रहा है ना, ये बहुत मज़ेदार सा टेस्ट देता है। तो आप एक बड़े से बर्तन में सारे टमाटर को ले लें और पोटैटो मैशर की हेल्प से या फिर हाथों से, जैसा भी आपका मन हो, इसे मैश कर लें। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। मैंने टमाटर को पील करने के बाद इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो काट कर हटा लिया था। अब ये देखिए टमाटर भी यहाँ मैश हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो जितनी टमाटर आपने ली है ना उतना या फिर उससे कम भी आप यहाँ पे आलू ले सकते हैं। मुझे टमाटर के साथ आलू का चोखा बहुत पसंद है तो मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसे हाथों से तोड़ना है, मैशर से मैश नहीं करना, मतलब इसके टुकड़े होने चाहिए। आलू के जो बॉयल आलू होते हैं ना उसके टुकड़े होने चाहिए, वो पूरी तरीके से मैश नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे, मैंने जो प्याज तमाम थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी मिर्च वगैरह बचा के रखी थी ना वो सारी मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ। तो वही सारी चीज़ यहाँ भी जाएगी, बस इसमें हमें लहसुन नहीं डालना है। चोखे के अंदर हमें लहसुन नहीं डालना होता, बस प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती ही डालेंगे। बहुत अच्छे से धनिया की पत्ती डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो अच्छे से धनिया की पत्ती डालें। तीखा पसंद है तो और एक से दो मिर्च को काट कर डाल सकते हैं आप। और बस अब इसमें ऐड कर लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ध्यान रखना है कि सत्तू में भी नमक है और आटे में भी नमक है, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब करीब 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर। बस अब इसे कुछ भी नहीं करना, इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चोखे का असली मज़ा तो हाथों से मिक्स करने में ही आता है। तो लीजिए, जब इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा आलू और टमाटर का चोखा बनकर तैयार है। तो अब हम चलते हैं पराठे की तरफ। तो पराठा बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, आटा जो हमने लगा कर रखा था ना उसे वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे। इससे होगा ये कि आटा काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आटा कितना अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये एक ट्रिक है, हल्के से हाथों में तेल लगाकर अगर आटे को ग्रीस कर लेते हैं ना तो इससे पराठे जो है ना बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। आप ये ट्रिक रोटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी भी इससे काफ़ी अच्छी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और ये रही हमारी सत्तू का मिक्सर। तो सत्तू भी तैयार है और आटा भी तैयार है, तो चलिए पराठा बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेनिस बॉल के जैसा डो ले लिया है। अब हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे जिससे कि इसे मतलब मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हल्का आटा लगा लिया है और एक कटोरी नुमा इसे हमें बनाना है, मतलब एक कटोरी बनानी है आटे की, जिससे कि हम इसके अंदर सत्तू को अच्छी तरीके से भर सकें। आप देख सकते हैं हमने क्या करना है, बीच में पतला करना है बट साइड में हमें मोटा रखना है और इस तरीके से अच्छी तरीके से अच्छी क्वांटिटी में सत्तू को फिल कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दबा दबा कर मैंने यहाँ पे सत्तू फिल किए हैं ताकि काफ़ी अच्छी स्टफिंग हो इसके अंदर। अब यहाँ करना क्या है, साइड से आटे को उठाना है और इस पोटली को बंद कर देना है। ये देखिए अंगूठे का हेल्प लेंगे हम और इस तरीके से पोटली को बंद करेंगे और ऊपर जो आटा आया ना उसे हम हटा लेंगे ताकि वो एक्स्ट्रा आटा वाला फीलिंग पराठे में नहीं आए। अब वापस से इसे रोल करेंगे और रोल करके हमारी बनकर तैयार है। अब इसे हमें क्या करना है, बस सूखा आटा लगाना है और बेल कर तैयार कर लेना है। तो जितनी आपको पराठे बनानी हो आप उतनी एक बार में बनाकर रख सकते हैं और बस फटाफट बस बेल लें। अब वापस से इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और हाथों से थोड़ा से
दबा देंगे, जैसे कि होगा ये कि सत्तू जो है ना वो चारों साइड में फैल जाएगी। और अब पराठा जैसे बेलते हैं बस वैसे बेल लेना है, कुछ भी नहीं है, बस हाथ हल्का चलाएंगे, बहुत ज़्यादा दबा कर हमें पराठे को नहीं बेलना है। ये देखिए पराठा हमारा बेल गया है। अब जितना पतला जितना मोटा आपको चाहिए आप बेल लें, बट मैं बताऊँ आपको सत्तू का पराठा बहुत ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब आटा भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना है, हल्का सा आटा लगाएंगे और ऊपर डस्ट करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना वो ऊपर एक लेयर आ जाती है आटे की। तो ये देखिए हमारा पराठा बेलकर तैयार हो गया। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखलाती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि कितना मोटा या कितना पतला रखना है। ये देखिए अब देख सकते हैं बहुत कम, यानी कि बहुत पतला और ना ही बहुत मोटा। तो चलिए अब दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका बनाने के लिए मैंने एक वापस से एक टेनिस बॉल के जैसा एक डो ले लिया है और इसकी हम एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही रोटी बेल लेंगे। और अब इस रोटी के सेंटर में हमें वो जो हमारा सत्तू का फिलिंग है ना वो डालना है। तो 2 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे फिलिंग डाल ली है। आप जितना इसमें डालना चाहें, थोड़ा और कम या थोड़ा और ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। बस बीच में डालेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसे फैला लेंगे और चारों साइड से ना अब इसे पैक कर देंगे। ये देखिए इस साइड से, वापस इस साइड से और दोनों साइड से भी। बस अब हमें क्या करना है, चारों साइड से हमने पराठे को पैक कर दिया है। अब हल्के से वापस से इसमें आटा डस्ट कर लेंगे, सूखा आटा जो है ना वो हल्का डस्ट कर लेंगे जिससे कि हमें ये बेलने में आसानी हो। थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये पराठा जो है खुले नहीं बेलते वक्त और सेकते वक्त भी। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और इसे भी हम नॉर्मल पराठे की तरह बस बेल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। इसकी भी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो अब चलिए हम हमारा तीसरा पराठा बनाकर तैयार करते हैं। ये तीसरा पराठा बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल रोटी बनाकर तैयार कर ली है और अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। तो इसके अंदर फिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे वापस से 2 चम्मच के आसपास फिलिंग ले ली है। आप फिलिंग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा फैला लिया है और अब इसे मोड़ लेंगे। जैसे हम वो ट्रायंगल वाला पराठा बनाते हैं ना, यहाँ हम ये ट्रायंगल वाली पराठा बना रहे हैं। और अब वापस से एक कॉर्नर पे 1 चम्मच और फिलिंग डालेंगे। काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको वो गोल वाला सत्तू का पराठा या गोल वाला कोई भी पराठा बनाने में मुश्किल होता है तो आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और ना ही फटने का डर ना ही टूटने का डर। तो अब इस तरीके से इसे पैक कर लें ताकि ये बेलते वक्त बाहर ना निकले। अब इसे हल्का सा सूखा आटा डस्ट करते हुए वापस से बेल लेंगे जैसे नॉर्मल हम कोई भी पराठा बनाकर तैयार करते हैं। तो हमारे तीनों पराठे अब बेलकर तैयार कर लिया है मैंने। अब इसे करना क्या है, बस इसे हमें सेक लेना है। अब पराठों को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे घर का जो नॉर्मल तवा होता है ना रोटी बनाने वाला, बस वही ले लिया है। आप चाहें तो नॉनस्टिक तवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें पहली बार तब पलटना है जब इसमें हल्के हल्के दाने आने लगे, यानी कि आप देख सकते हैं ना थोड़े थोड़े गोल्डन दाने आने लगे हैं। अब बीच बीच में चेक करते रहेंगे और दूसरे साइड जब अच्छी तरीके से इस तरीके से रेड स्पॉट्स आ जाएं तब हम इसे पलटेंगे। और आप घी या तेल जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नॉर्मल तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे सेक लेंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट पराठे आपके भी बनेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है ना, और फूलते ही ये बस फूट गया। तो इसके अंदर इतनी अच्छी एयर जनरेट हुई, इतनी अच्छी एयर भरी है कि ये फूलते ही फूट गया। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और काफ़ी परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अब ये हमारा दूसरा पराठा, इसे भी बस उसी तरीके से सीखना है जैसे हमने पहले पराठे को सीखा है। पहली बार थोड़ा स्पॉट पे और दूसरी बार जब अच्छे गोल्डन स्पॉट्स इस पर आ जाए तो हल्का तेल लगा ले और तेल लगाकर इसे दोनों साइड से अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। बस हमारी दूसरे पराठे भी बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखिए ये दूसरा भी कितना अच्छा फूल कर तैयार हुआ है। तो बस अब आप जैसा भी आपका मन हो, या चाहे तो गोल बनाएं, चाहे तो स्क्वायर बनाएं और चाहे तो ट्रायंगल बनाएं, जैसा भी आपको मन हो वैसा पराठा सेके बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और वही बिहार की जो फेमस सत्तू पराठे होते हैं ना वही टेस्ट आपको मिलेगी। और सारे के सारे पराठों में फीलिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी अंदर तक, मतलब हर लेयर पर आपको पराठे में फीलिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने ट्रायंगल पराठा बनाया तो उसमें फीलिंग नहीं मिलेगी हमें, या फिर स्क्वायर बनाया तो उसमें नहीं मिलेगी। आपको हर पराठे में परफेक्ट फीलिंग मिलेगी। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें और आपका भी सत्तू का पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सत्तू के पराठे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसे बनाएंगे। और
तीन तरीका बताया है, तो जैसा भी मन करे वैसा बनाएं। तो आप देख लीजिए, एक बार स्टफिंग मैं आपको दिखलाती हूँ, स्टफिंग इसके अंदर कितनी अच्छी है और ये कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। और पराठे के हर कोने में आपको स्टफिंग जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी और बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए, चाहे जैसे भी चाहे वैसे फोल्ड करके इसे खा लें। तो हमारा चोखा और सत्तू का पराठा बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सारे पराठे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगे हों, रेसिपी थोड़ा भी पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई हो या कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।